तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात् ॐ सन्नो देवी रविष्टय आपो भवन्तु पीतहे संयो रवि स्रवन्तु नः. आज गणेश जी की चतुर्थी है और महाराष्ट्र और पूना और बम्बई में इनका जो है आज गणेश भगवान जी का जन्मदिन मनाया जा रहा है. तो आज बहुत ही अच्छा शुभ दिन है. जैसे कि हम जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष में हमारा भारत देश जो है देवताओं का एक देश है, देवताओं का प्रदेश है और हम हिंदू धर्म में हिंदू धर्म को मानने वाले बहुत देवी देवताओं को पूजा करते हैं. तो अक्सर जनमानस पूछता है कि गणपति देव महाराज की सबसे प्रथम पूजा क्यों की जाती है. तो इसके बारे में मैं कुछ आपको थोड़ा सा संक्षिप्त में बताना चाहूँगा कि जब देवताओं में बहुत बड़ी बहस छिड़ी कि सबसे प्रमुख देवता कौन हो और आपसी विवाद सुलझाने के लिए सभी देवता जो है एकत्रित हुए और सब ने सलाह दी कि हम सभी विष्णु जी के पास चलते हैं. तो सबसे पहले सभी देवता विष्णु जी के पास जाते हैं. तो विष्णु जी ने कहा कि इसका जो उपचार है, इसका जो निर्णय है, भगवान शिव ही आपको दे सकते हैं. तो सभी देवता शिव जी के पास जाते हैं और शिव जी के पास ये प्रश्न करते हैं कि सबसे बड़ा हम में से सबसे बड़ा देव कौन है और जनमानस में सृष्टि में किस देवता को प्रथम रूप में पूजा जाए. तो शिव जी ने सभी देवताओं के सामने एक शर्त रखी कि जो पूरे विश्व की परिक्रमा करके सबसे पहले मेरे पास यहाँ पहुँचेगा और उसकी सबसे पहले पूजा होगी और वही दुनिया में श्रेष्ठ भी माना जाएगा. तो शर्त सुनते ही जो है सभी देवतागण अपने अपने वाहनों में बैठ करके विश्व की परिक्रमा करने के लिए निकल पड़े. तो हम सभी जानते हैं कि गणपति जी जो है उनका जो सवारी है वो मूषक सवारी है. तो गणपति महाराज अपने बुद्धि और चतुराई के जो है धनी थे. तो उसमें क्या है कि गणपति जी ने सोचा कि मेरा वाहन तो मूषक है, चूहा है, मैं कैसे इतने जल्दी विश्व की परिक्रमा करके निकल पड़ता हूँ. तो गणपति जी ने अपने माता पिता पार्वती और शिव को एक स्थान में बैठने का अनुरोध किया और गणेश जी ने माता को पृथ्वी और शिव जी को आकाश मान करके उनकी जो है चारों तरफ से परिक्रमा करी. और सबसे पहले परिक्रमा करने के बाद उन्होंने कहा कि मैं विश्व की क्यों परिक्रमा करूं, मेरे परिक्रमा करने के लिए तो माता पिता ही सबसे श्रेष्ठ हैं, इसलिए सर्वश्रेष्ठ पूजन अधिकारी जो है मेरे माता पिता हैं. तो शिव जी ने फिर ये प्रस्ताव पारित किया. शिव जी ने कहा कि हाँ देखो, इनकी चतुराई और इनकी जो है बुद्धि की मैं बड़ी दाद देता हूँ. तो उन्होंने जो है उन्होंने अनाउंस किया कि आज से जो है गणपति जी महाराज, गणपति भगवान जो हैं वो प्रमुख देवता माने जाएंगे और वो इस तरह से माने जाएंगे कि हाथी के सूंड का वो संकेत है कि सारी जितने भी कुरूतियाँ, जितने भी दुष्ट संगतियाँ, जितने भी दुष्ट व्यवहार और जितने भी जो है विकार आपके मन में होते हैं वो सब दूर भाग जाते हैं. और लंबोदर का मतलब ये होता है कि वह जो है बहुत दूध पीते थे. गणेश भगवान जी जो है लड्डुओं के बड़े शौकीन थे और इसलिए गणेश जी प्रथम भगवान हैं और वे हमारे रिद्धि सिद्धि बुद्धि के दाता माने जाते हैं. तो देवी देवताओं में गणेश जी का मस्तक हाथी का इसीलिए है कि सवारी उनकी मूषक है, भोजन के लड्डू उनको चाहिए. अतः हम जानते हैं कि हमारे घर में हो, समारोह में हो, यज्ञ में हो और कोई पर्व है, उत्सव है,
धार्मिक जन समूह हैं, कई गतिविधियां हैं, चाहे राष्ट्रीय त्यौहार हैं, चाहे हिंदू धर्म के त्यौहार हैं, और वर्गों में भी मतलब यह है कि जो त्यौहार होते हैं, तो अनेक कष्ट बाधाओं के पूजन में कोई भी पूजा अर्चना हो गणेश जी को सभी आध्यात्मिक दृष्टि से पूजा में सर्वप्रथम सम्मानित करते हुए उन्हें पूजा जाता है। और हिंदू परंपरा में सभी के लिए गणेश जी का पूजन अनिवार्य भी है और माननीय भी है, और माननीय भी है और उसका जो है पालन करने योग्य भी है। इसलिए भगवान गणपति जी को देवताओं के समूह का नेता भी माना जाता है और इसीलिए उनकी सर्वप्रथम हम पूजा करते हैं। तो गणपति महाराज की जो है हम जब पूजा करते हैं तो उसमें हम यज्ञ में हो और प्रारंभ में हो तो हम गजाननम भूत गणादि सेवितम के मंत्र से उनको नमन करते हैं और ओम गण गणपते नमः सिद्धि विनायकाय नमः भी हम उनको बोलते हैं और हम उनकी पूजा करते हैं कि ओम भूर्भुवः स्वः रिद्धि सिद्धि बुद्धि सहितम महागणपते नमः। और हम ये भी कह सकते हैं ओम महागणपते नमः, ओम गणेशाय नमः। और एक मंत्र में हम ये भी कह सकते हैं कि ओम नमस्ते ब्रह्म रूपाय विष्णु रूपाय ते नमः, नमस्ते रुद्र रूपाय करि रूपाय ते नमः, ओम विश्व स्वरूपाय नमस्ते ब्रह्मचारिणी नमः। तब हम एक मंत्र में ये भी कह सकते हैं कि ओम भक्त प्रियाय देवाय नमस्तुभ्यम विनायका लंबोदरा नमस्तुभ्यम सतता लोक प्रिय निर्विघ्न करो मे देवा सर्वकार्येषु सर्वदा। तो हम गणपति महाराज को जो है इस तरह से हम नमन करते हैं। आज बहुत ही शुभ अवसर दिन है और समस्त भारत में आज चतुर्थी दिवस पर उनके जन्मदिन पर सारे भारतवर्ष में जगह जगह जो है गणपति पूजा की, गणपति देव महाराज की पूजा हो रही है, उनको आज नमन किया जा रहा है। और हमारे भारत देश में अनेक प्रदेश हैं तो अनेक प्रदेशों में उनको जो है अनेक नामों से जाना जाता है, गजानन नाम से, गणपति नाम से, और शुमुख नाम से, कपिल नाम से, लंबोदर नाम से, विघ्न नाशक नाम से, धूम्रकेतु नाम से, भालचंद्र नाम से, द्वेमातु नाम से, हरेभ्य नाम से, एक दंत गणवर्ण का विकट विनायक और गजा गणानाध्यक्ष और विघ्न राज गजानन और गणानावति, इन नामों से अलग अलग प्रदेश में जो है विभिन्न नामों से महाराज गणपति देव जी को माना जाता है। आज सारे विश्व में जो है सारे जो हमारे भारत देश से भी जो विदेश में रहते हैं वहाँ भी आज गणपति की पूजा बड़ी धूमधाम से मनाया जा रहा है और गणपति देव महाराज को इसी तरह जो हम देवताओं में प्रमुख मानते हैं। और बाकी सभी देवताओं की पूजा जब की जाती है तो सबसे पहले गणेश जी की पूजा बहुत ज़रूरी है। इसके साथ ही जनमानस में भारतीय संस्कृति में और भारतीय धार्मिक स्वरूप को देखते हुए जो हमारे 9 ग्रह हैं और 12 राशियाँ हैं, आज की पूजा समस्त नौ ग्रहों के लिए और समस्त 12 राशियों के लिए आज की गणपति महाराज की पूजा फलदायी होता है, लाभदायी होता है। और समस्त जो गणपति महाराज की आज पूजा करते हैं सबको उनके जीवन में अन्न धन बल ऐश्वर्य कीर्ति धन धान्य, और जो इच्छा आपकी है, जो कमी पेशी आपके जीवन में है, वो गणपति महाराज की आज की पूजा पद्धति से उनको उनकी समस्त मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। ओम शांति शांति शांति।